पतये हर हर महादेव। आगे का विषय अब हम प्रारंभ करें। एक महात्मा जी के पास में बहुत सारे लोग बैठे और सभी लोगों की एक जैसी चर्चा। जो खड़ा होके पूछता वो एक ही बात पूछता कि भक्ति करने का क्या फल, भक्ति करने का क्या फल। महात्मा ने सबका सुना और एक साथ सबको जवाब दिया। महात्मा ने कहा कि तुम सब लोगों की जिज्ञासा है कि भक्ति करने से क्या मिलता है, तो जो चाहते हो वो तो मिलता ही है, पर भक्ति का सबसे बड़ा फल है संतोष। जिस आदमी में सच्ची भक्ति रहती है उस आदमी के अंदर संतोष का फल प्रकट हो जाता है। भक्त हमेशा संतोष का जीवन जीता है। भक्त भी कई प्रकार के हैं समाज में, जो भक्ति के नाम पर आडंबर करते हैं, कलंक हैं, उनको तो संतोष आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो भक्त है नहीं, भक्त होने की प्रस्तुति कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। पर भगवान के लिए एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को रियलिस्ट अपने जीवन को प्रस्तुत करो। शबरी ने एक्टिंग नहीं की राम के लिए, जैसी स्थिति थी घर की और स्वयं की वैसी प्रकट हो गई सामने। विदुर और विदुरानी ने एक्टिंग नहीं की, जैसी पोजीशन थी वैसे ही प्रकट हो गए कृष्ण के सामने। शबरी को भी सबर मिला, इसलिए नाम सबरी आया उसका। विदुर जी को भी संतोष मिला, इसीलिए विदुर को भी संत की उपाधि प्राप्त हुई। विदुर महात्मा कहलाए, महात्मा गांधी की तरह विदुर को सम्मान मिला। जो महात्मा आप समाज में देखते हैं हमारे जैसे, ऐसे विदुर नहीं बने थे महात्मा, पर उनको महात्मा शब्द मिला, समाज ने दिया, सम्मान दिया, ऋषियों ने, राजा महाराजाओं ने सम्मान दिया, क्योंकि रियल भक्ति थी उनके पास, और जो सबके पास होनी चाहिए। हमारे सम्मान को बचाने के लिए हम कभी कभी ऐसी व्यवस्थाओं को जोड़ लेते हैं जिससे हमारा सम्मान प्रतिष्ठा कम न हो जाए। हमारे घर कोई मेहमान आ जाते हैं जिनकी पोजीशन थोड़ी बड़ी है, अब उनकी पोजीशन के हिसाब से हमारी पोजीशन बचे उसके लिए हम काफी नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं। किसी के घर से टेबल लाएंगे, आंटी के घर से कुर्सी लाएंगे, बड़े अंकल के घर से सोफा बदल लेंगे, अपना टूटा टाटा सा है, पुराना सा हो गया है। ये केवल इसलिए नहीं है कि वो अच्छी सेवा करना चाहते हैं, वो केवल इसलिए है कि जो आ रहे हैं उनके सामने हमारा स्टैंडर्ड खत्म नहीं होना चाहिए। व्यवस्था जैसी है वैसी करनी चाहिए मेहमान के लिए, पर कभी कभी मेहमान के लिए अपने आप को साबित करो कि हम इस तरह के हैं, जो हमारे पास है वो सब आपके लिए हाजिर है, और जो है नहीं वो लाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में अगर कोई मेहमान तुम्हें पसंद करता है तो वो एकदम रिश्ता पक्का है और वो मेहमान भी तुम्हारा है।
कई लोगों को लड़कियां पसंद आ जाती हैं सगाई में शादी के लिए, लड़की बहुत अच्छी है पर लड़की वालों ने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए लड़की फेल कर दी। लड़की का पिता झुक के बात नहीं कर रहा था, तुमने देखा नहीं उसकी मम्मी जो आई लड़की की वो कैसी अकड़ में निकली बाहर। अब इन बातों से रिश्ता खत्म हो गया, लड़की बहुत अच्छी थी। क्योंकि लड़की के माता पिता सच्ची स्थिति में नहीं, वो भी एक्टिंग ही कर रहे थे। कभी कभी जो एक्टिंग है वो फेल हो जाती है और कभी कभी अंधेरे में चल भी जाती है, पर कभी कभी इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जो रियल में तुम्हें प्राप्त होने वाला था वो एक्टिंग करने से नहीं प्राप्त हुआ, वो छूट गया हाथ से। कल्पना करो कि सबरी को एक्टिंग करनी भी पड़ती तो कैसे करती, क्या करती? एक 90-100 साल की बुढ़िया क्या एक्टिंग करती, क्या बदलाव लाती? उसका तो सब समाप्त हो गया, शरीर जर्जर हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि वो कुटिया को और सजाए धजाए, जो उसको जमता था वो करती थी। पर आज अवस्था ऐसी हो गई कि राम जी का आगमन हुआ, इतने बड़े घराने के राम जब पहुंचे तो राम है। उन्होंने सबरी की स्थिति को देखा तो सबरी से भी गया गुजरा जीवन राम जी का, उस समय हो गया था जिस समय सबरी का मिलन हुआ। राम जी ने तो कितने दिन से खाया नहीं था, नवरात्रियों का व्रत किया था, जटायु का शोक कर रहे थे, दुख में डूबे हुए थे सीता के लिए। ऐसी अवस्था थी कि सबरी की अवस्था तब भी ठीक थी। काफी वजनदार है पगड़ी। विषय बहुत लंबा न करते हुए समझाना चाहूंगा कि महात्मा ने जो कहा अपने शिष्य भक्तों को, कहा कि भक्ति का फल है संतोष आ जाता है। शाम को सुबह जब भी आप थोड़ी देर बैठते हैं भजन ध्यान करने, उस समय आप थोड़ी देर के लिए महसूस भी करते होंगे कि आपको जिस तरह का संतोष पैदा होता है वह संतोष बाजार में कितने भी पैसों में कहीं उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मैं तो आपसे कहूंगा ये बात कि आप गांठ मार कर ये बात रखो कि संतोषी अगर रहना है तो भक्ति जरूर करना है, और बिना संतोष के दुनिया का कोई सुख हमारे पास मौजूद नहीं रहता है। कहावतें बनी हैं समाज में, मुहावरे बने हैं, दुनिया के सारे धन सारी संपत्तियां तब पूरी तरह फेल हो जाती हैं जब संतोष की संपत्ति हमारे पास आती है। संतोष में वस्त्र पहनो, संतोष में भोजन करो, उसका अलग आनंद है।
और आप असंतोष में भोजन करो, वस्त्र पहनो, स्नान करो, तो उसका दुख परेशानी आपके साथ ही चलता है। आप कभी कभी जल्दी नहाने का प्रयत्न करो बाथरूम में, तो आपका कहीं ना कहीं हाथ पैर लग जाएगा, चोट आ जाएगी, कहीं कोहनी लगेगी, कहीं पैर लगेगा, कहीं कुछ होगा। आप वस्त्र पहनने का प्रयत्न करो ऐसी असंतोष में, वहाँ भी यही तकलीफ। ऐसे भोजन में भी आप असंतोष जताओ, वहाँ पर भी ऐसा नुकसान। कपड़ों पर गिरेगा भोजन, दांत से जीभ कटेगी, होठ कटेगा। संतोष के साथ जीवन का निर्वाहन जब होता है तो ऐसा लगता है कि परम भक्ति हमारे साथ चल रही है। अठासी हजार ऋषि महात्मा संत सब मिलकर के भगवान श्री सूत जी के पास पहुंचे और ये सभी ऋषि मुनियों ने अपनी बात भगवान सूत जी के सामने रखी। कहा, महात्मन, हमने बड़ा नाम सुना है आपका, आपके वचन जो श्रवण करते हैं वो धन्य हो जाते हैं और वो परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। हम सभी ऋषि बड़े अशांत जीवन जी रहे हैं, हमने कोई मेरुगिरी पर्वत, मदराचल पर्वत से लेकर हिमालय से लेकर कोई पर्वत नहीं छोड़ा जहां साधना तप नहीं किया, पर ना ही संतोष दिखाई देता है जीवन में, ना शांति दिखाई देती है। बहुत उस समय नाम था भगवान सूत जी का, उस काल में बहुत वक्ता नहीं थे कथा के। अगर ये कहें कि इंटरनेशनल वक्ता कोई था तो भगवान सूत ही उस समय इंटरनेशनल वक्ता थे। अब तो सोशल मीडिया के कारण कोई चार पांच कथा कह ले, मोबाइल यूट्यूब बना ले अपना चैनल, यूट्यूब पे कथा छोड़ देता है और फिर वो बाद में लिखता है अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता। अभी ढाई महीना हुआ है कथा शुरू किए हुए और अंतरराष्ट्रीय भी लिख दिया उसने, क्योंकि YouTube चैनल में ये गुण तो है कि वो आपकी अच्छी बात बुरी बात जैसा है उसे कहीं तक पहुंचा देता है। पर भगवान सूत जी अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्योंकि जितने देश दुनिया में आज बसे हैं उन सब देशों के ऋषि मुनि योगी जति वैज्ञानिक हमेशा सूत जी के पास उपदेश लेने के लिए, विचार लेने के लिए पहुंचते थे। कोई भी पुराण सुनेंगे आप, उसमें सब जगह सूत जी का नाम आता है कथा सुनाने में, क्योंकि भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का ही गायन किया है और उनके ही गुरु भाई हैं सूत जी, समस्त पुराणों का गायन करते थे, सारे पुराण कंठस्थ और सारे पुराण निरंतर चलते रहते थे, कभी कथा बंद नहीं होती थी, जीवन पर्यंत कथा निरंतर चल रही है। और इसीलिए उस कथा का प्रचार इतना हुआ कि जहां जो सुन ले वो दौड़कर कथा सुनने पहुंचे, लाखों लाखों की भीड़। उस काल में 88,000 ऋषि ये तो ग्रुप बनाकर कथा सुनने के लिए पहुंचे, इन्होंने सुना कि उस महात्मा की वाणी से परम शांति परम गति जीवन को प्राप्त हो जाती है। ग्रंथ अपने आप में महान है, उनके लिखी हुई चीजें शब्द महान है, पर ग्रंथों में लिखा हुआ जो शब्द किसी ज्ञानी किसी महात्मा किसी अनुभवी के मुखारविंद से जब तुम्हारे कानों में पड़ता है तो वो इस तरह समझ लो जैसे दवाई में से इंजेक्शन भर करके डॉक्टर हमारे हाथ में लगा देता है। अगर वो इंजेक्शन सुई हम भी बोतल में से भर के खुद के हाथ में लगा सकते हैं, पर जरूर यह है कि वो इंजेक्शन सूज जाएगा, पक जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और वही दवा वही सुई डॉक्टर लगाता है तो इन सारी मुसीबतों से मुक्त कर देता है और फायदा ही फायदा शरीर को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति गुरु मुख वचन श्रवण करता है महात्माओं के द्वारा, उसको यही ग्रंथ अमृत बनकर के उसके कान में जब पढ़ते हैं तो उसके रंध्र पवित्र हो जाते हैं, उसकी आत्मा धन्य हो जाती है। हो सकता है कि आप अगर ग्रंथ शिव पुराण ले जाएं घर और उसे पढ़ें
तो मेरे से कुछ बातें छूट रही होंगी कथा में, वो आप पढ़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे पूरा। भले ही आप सब कुछ पढ़ेंगे पूरा, पर आपको आनंद नहीं प्राप्त होगा वहां। आनंद कथा में तभी आता है जब कोई मनोहर वक्ता, आचरण से भरा हुआ कोई वक्ता जब कथा गाता है, उसके अनुभव के साथ जोड़ करके जो दृष्टांत सुनाता है, तब कथा हमारे लिए दरिद्रता को हरने वाली बनती है, पापों को हरने वाली बनती है, समस्त पुण्य अमृत देने वाली बनती है। मेरी योग्यता क्या है मुझे नहीं पता, पर हां इतनी योग्यता पता है कि 36 सालों से कथा कह रहा हूं और लोग सुन रहे हैं, आप भी बहुत सालों से सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, टीवी पर कथा नहीं है 20 दिन से लगातार, तो लोग मोबाइल चालू करके सुनते रहते हैं, पुराने वीडियो को श्रवण करते रहते हैं, चैन नहीं है, लोग जरूर रोज सुनते हैं, एक बार कोई न कोई वीडियो निकालते हैं, कथा जरूर सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ तो अच्छा है वाणी में, जिसलिए सुन रहे हैं लोग। इतने वर्षों की जर्नी में तो लोग अपनी माँ से भी आधा प्यार कर लेते हैं, अपने माता पिता से भी थक जाते हैं लोग इतने दिनों में, तो 36 वर्ष का गृहस्थ का संबंध हो पति पत्नी का, वो भी थक जाते हैं एक दूसरे से, पर आप नहीं थके हमसे और हम आपसे नहीं थके, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो है अच्छा। अयोध्या धाम में सरयू माता के किनारे संत महात्माओं के सानिध्य में ये पावन कथा हम सबको ऐसा ही आशीर्वाद देवे कि हम थके ना कभी, एक साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, सनातन को बढ़ाते रहें, आपकी जरूरत में हम काम आते रहें और हमारी जरूरत में आप काम आते रहो, ये संबंध हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार पूरा संबंध पर टिका हुआ है, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे मित्र गणों का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे भक्त भगवान का हो, सब संबंध पर ही संसार बना है। कौन जानता है भगवान कौन है, किसको पता है भगवान कैसा है, बस कोई महात्मा कोई ज्ञानी बता दे वही मानकर अपन जी रहे हैं, चल रहे हैं और उसी से अपना काम भी हो रहा है, उससे आनंद मिलता है भगवान का, अपने मनोरथ पूरे हो रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने भगवान श्री सूत जी के सामने अपना दुख रखा, अपनी विचारधारा रखी और कहा, महात्मा हमारे ऊपर कृपा करो, हम आपको सुनकर समझ कर आए हैं और हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हमारा दुख दूर करो, हम पुराण सुनने आए हैं, कथा सुनने आए हैं। हमारी चिंताओं का दोहन पूरी तरह कर दो और हमारी अभिलाषा केवल कथा श्रवण की है, पुराण श्रवण की है। सूत जी महाराज को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। सूत जी ने कहा कि जो कथा श्रवण का भाव लेकर आता है, ऐसे कम लोग दुनिया में होते हैं जो केवल कथा सुनने के भाव से आते हैं, और जो कथा श्रवण के भाव से प्रकट होता है कथा पांडाल में, ऐसे श्रोता से वक्ता बहुत खुश रहता है, और कथा श्रवण का भाव कम और दूसरी चीजें दिमाग में ज्यादा, ऐसे श्रोता से वक्ता प्रसन्न नहीं रहता, और ऐसे श्रोता जो कथा श्रवण के भाव से पैदा हुए हैं, पांडाल में आए हैं, अयोध्या में पधारे हैं, ऐसे श्रोताओं से स्वयं भगवान प्रसन्न रहते हैं, वक्ता प्रसन्न रहते हैं। वक्ता को क्या चाहिए, वक्ता को ये चाहिए कि उसके सुनने वाले खचाखच भरे हों और सभी आनंद के साथ चित्त लगाकर जुड़े हों कथा से, तो वक्ता का भाव बढ़ता है, वक्ता के अंदर
स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसको उत्साह मिलता है, ताकत मिलती है और फिर वो शब्द सुंदर सुंदर गाता रहता है। अब वक्ता कब फेल हो जाता है? जब श्रोता डगमग हो जाए तब फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें ऐसी कही जाती हों कि सबसे ही खुशी मिलती हो। कोई कोई बात ऐसी भी निकल जाती है वक्ता के मुंह से कि खुशी की जगह गम दे देती है, दुख दे देती है। पर उस बात को भी कथा का ही कोई भाव समझो, उसको भी कोई न कोई कारण समझो और उसे भी पचा जाओगे तो समझ लो असली वक्ता बन के, असली श्रोता बनकर साथ साथ जीवन आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए मीठी मीठी बातें कही जाएं। आप जब जाते हो चाट पकौड़ी की दुकान पे, पानी पूड़ी खाते हो तो क्या बोलते हो पानी पूड़ी वाले से? भैया थोड़ा मीठी चटनी मिला के देवे। उसने मीठी चटनी खिला दी दो पकौड़ी में भर के, अब तीसरे पकौड़े में कहे ने वो दे दे पुदीना मारो ना चटपटो दे दे। बस यही है स्वाद भी कथा का। जब चटपटा लगता है तो महात्मा संत मीठा परोसते हैं और ज्यादा मीठा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से चटपटा भी परोसते हैं। ये दोनों चीजें तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, तुम्हारी विचारधारा के लिए आवश्यक है। किसी भी चीज को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के ऊपर व्यासपीठ पर बैठकर ये पक्षपात वाली बात नहीं हो सकती। आपको बस एक ही भाव रखो कि कथा सुन रहे हैं, कथा चल रही है और जो हो रहा है वो हमारे कल्याण के हित के लिए हो रहा है, क्योंकि यही कथा का धर्म है। कथा सर्वहितकारी है। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी आत्मा कथा में आकर बैठ जाता है तो उसका किस तरह उद्धार कथा करती है, अब शिव महिमा सुनते हुए जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कथा में तो ऐसे ही पापी बैठ जाए तो भी उसका उद्धार निश्चित हो रहा है। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, शिव कथा का वर्णन मैं कर रहा हूं तो आप शिव कथा सुनो। क्या होगा शिव कथा श्रवण करके? सूत जी ने जब ये कहा तो सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, यावते श्रवणम भूय जातान तद फलश्चय। क्या फल प्राप्त होगा शिव कथा श्रवण करने से? तो सूत जी ने कहा पहले श्रवण करो, आज का दिन निकलने दो पहले सुनो तो सही। पुराने जमाने में कोई मिठाई खरीदने जाता था या कोई गुड़ खरीदने जाता था, जब हम छोटे थे तो हमने देखा 7 दिन की पैठे लगती थी। पहले बाजार भरते थे साप्ताहिक, और साप्ताहिक बाजार से ही सामान खरीदते थे लोग 7 दिन के खाने पीने का, सब्जी भाजी गुड़ मीठा चाल मसाला। तो किसी से बूरा खरीदना, चीनी खरीदनी है, गुड़ खरीदना है या कोई मिठाई खरीदनी है तो हलवाई पहले क्या करता, हाथ में रख देता मिठाई में से मिठाई। अरे चखे तो देखो, लेना है मत लेना, पहले चख लो चखने में क्या जा रहा है। और आदमी जब चख लेता था तो नहीं खरीदने वाला भी खरीद लेता। ऐसे ही भगवान सूत जी कह रहे हैं बाद में देखना कथा सुननी है कि नहीं सुननी है, कम से कम आज कथा चखो तो सही। पहले दिन आए हो बैठो कथा चखो, अरे अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो हट जाना। आपसे हम भी कह रहे हैं अगर आपको कथा अच्छी लगे आज तो कल आ जाना, नहीं अच्छी लगे तो मत आना, एसी चला के खूब सोना। अभी और कहीं जाने के लिए तो कहना ठीक नहीं है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पर आए हैं तो यहां वहां जहां जहां जाना है जाइए। कब लौटे दोबारा अयोध्या, नहीं लौटे कोई पता नहीं, इसीलिए जहां भी जाना है जाएं पर शीतलता का ध्यान रखें, धूप से बचे रहें, लू न लग जाए और बीमार न पड़ जाएं। उस स्थिति में हम यात्रा करें, दर्शन करें और सकुशल लौट कर आए। सरयू माता में गोता लगाना हो
तो ऐसी जगह गोता लगाएं जहां पर बचाने वाले खड़े हों। क्योंकि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आनंद जब लेते हैं तो आनंद बढ़ता चला जाता है। जोश में जब होश नहीं रहता है तो आनंद क्षण में खत्म हो जाता है। इसीलिए होश जरूरी रखना। भगवान श्री सूत जी ने शिव जी की महिमा सुनाते हुए एक दृष्टांत देवराज ब्राह्मण का सुनाया। कहा सौनक ऋषि, देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था दक्षिण भारत की एक पवित्र नगरी में, पर वो पवित्र नहीं था। यज्ञ विरोधी, दान विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, वेद विरोधी, आस्था व्यवस्था से सबका विरोध करता, ना ही यज्ञोपवीत धारण किया था, न शिखा वंदन था, पर समाज कुल वर्ण से ब्राह्मण का था। कर्म खोटा हो गया तो ब्राह्मण कुल में पैदा होके उसे लाभ कोई नहीं मिला, क्योंकि किसी भी कुल में पैदा होने का भाग्य जो परमात्मा से मिला है, उस भाग्य को और उजागर करने के लिए हमें कटिबद्ध रहना पड़ता है अपने धर्म से, अपनी व्यवस्थाओं से। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है, पर कटिबद्ध रहना चाहिए ब्राह्मण नियम निभाने के लिए। क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला है, कटिबद्ध रहो क्षत्रित्व को निभाने के लिए। वैश्य कुल में, शूद्र कुल में जन्म हुआ है, अपने कुल को निभाने के लिए कटिबद्धता रखो, अपने वर्ण के प्रति जो कटिबद्ध है उसकी वर्णीय व्यवस्था हमेशा पूजनीय मानी जाती है और हमेशा वो पूछता रहता है। और जो वर्ण की व्यवस्था को कटिबद्धता से निभाता नहीं, उसे वो टालम टूल करता है, तो वर्ण का लाभ उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। सनातन हिंदू धर्म के अलावा वर्ण व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक क्वालिटी को पूजा जाता है सनातन धर्म में, उच्च विचारों की पूजा भी सनातन धर्म में है, क्योंकि जितने विचार उच्च किसी के होते हैं उस तरह का ही उसे जीवन जीना पड़ता है, ये भी सनातन धर्म में ही है। आप किसी दूसरे धर्म में जाएंगे तो कई लोग जो है पूज रहे हैं, पर उनके विचार जीवन शैली एकदम उनकी तरह ही है, सामान्य लोगों की तरह। हमारे सनातन धर्म में कोई विचार उच्च विचार रखता है तो उसको फूक फूक के कदम रखना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए। हो सकता है हमारे शिष्य भक्त गलत कुछ खा लेते होंगे, पी लेते होंगे, पर हमारे लिए बहुत असंभव है। शिष्यों के अंदर तो आजादी और स्वतंत्रता है, वो बाध्यता नहीं मानते हैं, कटिबद्ध नहीं है अपने नियम और धर्म के कारण, कटिबद्धता पालन नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ने क्या नियम दिया था, अज्ञान बस तोड़ देते ही नियम को। पर साधु को अगर समाज में पूजना है तो उसे अपने कर्म के प्रति कटिबद्ध ही रहना पड़ेगा। अगर उसकी कटिबद्धता में कमी आ जाती है तो साधु का पूजना, सम्मान, ये सब धार धार पर कट कट के खत्म हो जाता है। इसलिए निरंतर ये चाहिए। आज भगवान श्री सूत कह रहे हैं कि वो देवराज जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो महानालायक था, नीच कर्म करता था, सारा समाज उससे दूर हो गया, कोई उसका साथी न बचा, पूरे गांव को ठगता था, तेल का व्यापार करता था, नकली तेल, महंगा तेल, कम तोलने वाला व्यापार, हर जगह छल, हर जगह कपट करता था। एक भी लक्षण उसमें मानवता का नहीं था, ब्राह्मणता का तो छोड़ो,
मानवता के लक्षणों से भी श्रेष्ठ लक्षण ब्राह्मण का होता है, और श्रेष्ठ लक्षण। मानव का लक्षण पूरा करने वाला ही भगवान कहलाता है सृष्टि पर, तो ब्राह्मण के लक्षण को पूरा करने वाला कितना महान हो गया। यस्यम विष्णु प्रियाम ब्राह्मणम, भगवान विष्णु से भी महान ब्राह्मण है, क्योंकि वो मानव से भी अलग लक्षण उसके हैं। और इसीलिए समाज में मान्यता खूब है सनातन हिंदुओं में तो ब्राह्मण की। ब्राह्मण गुणहीन भी सम्मान प्राप्त कर लेता है वर्ण के कारण। पर अब कलयुग है, अब ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब गुणहीन को नहीं सम्मान मिलेगा, क्योंकि दुनिया समानता की ओर जा रही है और बहुत सारी मुश्किलों से सबको गुजरना पड़ रहा है। देवराज की अवस्था जरा अवस्था में चले गया, बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हुआ तो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, अकेला पड़ गया, क्योंकि जिंदगी भर दुनिया को ठगा लूटा छल कपट किया, धीरे धीरे सबका मनोरथ गिर गया, सबका मन टूट गया, सब नाराज हो गए। आज जरूरत पड़ी तो कोई नहीं है, चारों तरफ अकेला पड़ा है। तो देवराज जो ब्राह्मण है उसके मन में अचानक आया कि मैं कैसे जीऊं, रात भर रोता दिन भर रोता, इतना शरीर में पीड़ा होती, बीमार पड़ा था, दद्दड़ी बाजती, दांत बजते, इतनी जोर से बुखार चढ़ता ठंड से। और आप कल्पना करिए, बीमार आदमी को दवा की जरूरत कम से कम पड़ती है, पर उसे प्रेम की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पड़ती है। बीमार आदमी के पास में दवा चाहे हो न हो, पर हमदर्दी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसे चाहे, जो उसे प्रेम करे, जो उसके साथ में दुलार भाव रखे। बीमार आदमी थोड़े दिन जी लेता है, जिस आदमी को बीमारी आ जाए और अकेला पड़ जाए तो वो आदमी जी नहीं पाता ज्यादा दिन। इसीलिए अगर मेरी बातें आपको लगती हैं सही हैं, तो आप भी अपने आप को अकेला नहीं चाहते तो दूसरे दुखियों का साथ दो, पड़ोस का, घर में लोग बीमार पड़े हैं, चाहे वो माँ है, पिता है, भाई है, पति है, चाची है, चाचा है, उसको भी जरूरत है आपकी, और कल आपको जरूरत पड़ सकती है किसी की। बीमार में हमारे धर्म में तो ऐसी मान्यता है, आप जानते होंगे, आप भी करते होंगे, कोई हमारे यहाँ बीमार हो जाए रिश्तेदार तो हम सब लोग उसे देखने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं। हमारे यहाँ कोई मर जाते हैं, जिनके घर में कोई जिंदे रह जाते हैं, हम उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनके लिए वस्त्र आदि करते हैं, कैसे भी मनोरथ करते हैं जिससे वो दुख से बाहर आ जाएं। प्रॉब्लम जो आई है, घटना जो घटी है, कष्ट जो आया है, किसी जन्म का पाप का घड़ा फूटा है, अचानक इतनी बड़ी प्रॉब्लम घट गई है, उसके लिए परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो अपने हैं हमारे, जिन्हें हम कहते हैं अपना, उनको ऐसे समय में जरूर साथ करना चाहिए। जहाँ ये घटनाएं घटती हैं, जहाँ मरण होते हैं, जहाँ मौत आती है, वो जगह बहुत दुखदायी हो जाती हैं। अगर वहाँ से हम 10 किलोमीटर नहीं, केवल मोहल्ला भी बदल देते हैं, दो दिन चार दिन के लिए चले जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो हमारा दुख बहुत कम हो जाता है। जगह बदलते ही दुख बदलता है, विचार बदलते हैं। इसलिए आपका कोई चाहने वाला हो या ना हो, आज से आप चाहने वाले बनो दुखियों के, और आप किसी दुखी को देखें तो अपने घर जरूर बुलाओ, उसके घर जरूर जाओ, चाहे कोई बुलाए न बुलाए, पर दुखी के घर का न्योते का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, किसी के घर में आग लगी हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तो बुलाया नहीं, हम क्यों पानी मारें? अगर आग लगने पर अगर बिना कहे पानी मारने का भाव हमारे अंदर नहीं है, तो हमसे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं है।
दूसरे की आंख बुझाने का भाव आवश्यक है, जो मानवता में गिना जाता है।